नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था सातवें चरण को लेकर कि सातवें चरण में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में हमने अपडेट बताया था। और उसमें बताया था कि आपको जो भी परेशानी हो आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस पर स्पेशल वीडियो बना के हम आपको बताएँगे। तो उसमें 40 से 45 के लगभग में कमेंट आया है बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का, वो अपने जो परेशानी है वो रखे हैं। तो आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा कि पल-पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर एक अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्योंकि अब अभी हम स्कूल में हैं, गर्मी का छुट्टी चल रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए SA1 SA2 का यानी कि फाइनल का और हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन बनाने के लिए स्कूल के तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बुलाया गया है। तो स्कूल में जो व्हाइट बोर्ड है उसको राहत मिला है, तो उस व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, घर पे व्हाइट बोर्ड है नहीं। तो चलिए इस पर भी हम आपको समझाएंगे, कल भी समझाए थे, आज प्रश्न में भी कुछ ऐसा निकलेगा तो उस बोर्ड पर भी समझाने का प्रयास करेंगे, उस व्हाइट बोर्ड का भी उपयोग किया जाएगा। ऐसे भी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो चलिए व्हाइट बोर्ड का भी उपयोग कर लेते हैं वीडियो बनाने में भी। देखिए मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में देखते हैं कि कितने सारे कॉमेंट आए हुए हैं और कौन से कमेंट का जवाब हमको देना है। सो हो सके तो बहुत सारे कमेंटों का हमने रिप्लाई भी दिया था, लेकिन चलिए वीडियो बनाने से ये होता है कि जो रिप्लाई हम दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो बना देंगे तो उस प्रश्न से, अगर आपका एक प्रश्न है तो उसमें समझिए 100 कैंडिडेट उस प्रश्न से ज़रूर रिलेटेड होंगे, उनको समस्या होगी। तो इस वीडियो में हम समझाने का वही प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो कमेंट है कि जिनका फाइनल एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है क्या होगा, यानी कि जिनका फाइनल एग्ज़ाम, ये पूरा क्लियर जफर अंसारी कमेंट किए हैं लेकिन वो पूरी तरह से लिखे नहीं हैं कि वो किसका बात कर रहे हैं, बीएड की बात कर रहे हैं। हो सके बीएड का ही होगा, सीटेट का तो होगा ही नहीं। ठीक है, जिनका फाइनल एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है, ठीक है बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अगर आपका जुलाई में हुआ है यानी कि 2021 में हुआ होगा तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। 2022 चल रहा है, 2021-22 का भी जुलाई आया नहीं है, जून का महीना आने वाला है, तो आप पूरी तरह से इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास रिजल्ट आ गया है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उसका फोटो कॉपी आप करवा के रख लीजिए ताकि अगर ऑनलाइन आवेदन होता है तो उसमें स्कैन करा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से आप एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है विजय सिंह हैं, कह रहे हैं कि सर यूपी से भर सकते हैं। देखिए 2019 में छठा चरण चला था वो 2012 के नियमावली के अनुसार था, तो उसमें अदर स्टेट भर सकते थे, लेकिन अब नियमावली चेंज हो गया है, 2020 का नया नियमावली आया है और 2020 के नियमावली के अनुसार बिहार के अदर अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम कहेंगे कि आप नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आने में किस तरह का उसमें एलिजिबल खोजा जा रहा है वो देखना होगा, सर्टिफिकेट के अनुसार खोजा जा रहा है या आधार कार्ड के अनुसार खोजा जा रहा है, आवासीय के अनुसार खोजा जा रहा है, वो थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। ऐसे 2020 के नियमावली के अनुसार आप अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हैं राकेश कुमार यादव का कमेंट है, उनका कहना क्या है, उनका प्रश्न क्या है सातवें चरण से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि मेरी वाइफ यूपी की है और उसका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो क्या वो जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, तब तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। देखिए अगर अदर स्टेट का भरने का था तो आप जनरल में आते और आपको ओबीसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सातवें चरण में जनरल को शामिल, अदर स्टेट को शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए आप इसमें नहीं आ सकते हैं। अगला है सुशील कुमार शाह है कि ईवीसी वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं सर, तो हम आपको बता दें कि नहीं, ईवीसी वाले इसमें सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वही बना सकते हैं जो स्वर्ण कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय को हो या फिर हिंदू समुदाय के। और हिंदू में हम जो, अगर हिंदू हैं तो उसमें बता दें कि उसमें कौन कौन आते हैं, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, बावन आते हैं और एक शायद लाला जी आते हैं, ये चार कास्ट ऐसे हैं जो फॉरवर्ड में आते हैं जिसको ईडब्ल्यूएस बनाने का ज़रूरत है, क्योंकि जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस का कम कट ऑफ होता है। एडमिट कार्ड भी लगेगा सर, नहीं एडमिट कार्ड, ये कह रहे हैं कंचन कुमारी, ये कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड भी लगेगा, नहीं एडमिट कार्ड कहीं भी नहीं खोजा गया है,
कुछ कुछ पंचायत नियोजन इकाई ऐसे थे जो ऑफलाइन में खोजा गया था, बदमाशी किया गया था, लेकिन विभाग के तरफ से लेटर निकाल के बताया गया कि आपको एडमिट कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी सातवें चरण में ऑनलाइन प्रोसेस होगा जो कि डायरेक्ट सचिवालय से उसका लिंक निकलेगा, तो उसमें एडमिट कार्ड आपको नहीं लगेगा किसी भी सब्जेक्ट का, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि अगला है सिंपल रंजन, सर क्रीमी लेयर बिहार का चाहिए या सेंट्रल का, ओबीसी वाला बनाना है। देखिए क्रीमी लेयर जहाँ से आपको ब्लॉक स्तर पर बनता है वो बना लीजिए, आपका काम कर जाएगा। सेंट्रल की बनाने की आवश्यकता नहीं, छठे चरण में ब्लॉक से ही काम चला था, क्रीमी लेयर वहीं से ही आपका बन जाएगा, क्योंकि जस्ट जैसे क्रीमी लेयर है वैसे EWS है, वर्क हर जाति का पड़ जाता है, तो EWS ब्लॉक स्तर से ही बनेगा, वहाँ से चला है तो क्रीमी लेयर भी आपका ब्लॉक से ही चलेगा। मुकेश श्रीवास्तव है, सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते, उनको भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट ही इसमें सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिशन IAS ऑफिसर जो है उनका कमेंट आया हुआ है कि क्रिमिनल ईयर जरूरी है क्या सर, कन्फर्म कीजिएगा। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का आपको लाभ लेना है या आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल ईयर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि OBC में देखिए BC आते हैं, EBC आते हैं, उसमें भी OBC को दो कैटेगरी में बांटा गया है, BC और EBC। अगर आप BC के हैं, EBC के हैं और किसका आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जनरल में फाइट कीजिएगा, जनरल में तो उस समय आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको BC में सिलेक्शन होता है, EBC में सिलेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पर क्रीमी लेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण का, जब भी कोई कैंडिडेट आरक्षण का लाभ ले रहा तो उसको उस सर्टिफिकेट को देना होगा। हाँ, आर्चू खां कह रहे हैं कि सर जिनका स्पेलिंग मिस्टेक है सर्टिफिकेट में, आई के जगह EE हो गया है, वो क्या करें? तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अभी गलत है गलत ही रहने दीजिए, उसको आप प्रिंट करवा के जैसे है वैसे ही फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन उसके जगह आपको करना क्या होगा, जब काउंसलिंग होगा, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो पे कोड से एक एफिडेविट बनता है, वो आप बनवा लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। कहीं कहीं आपको परेशानी करेगी, लेकिन कहीं कहीं आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि एक दो लेटर का प्रॉब्लम है। कहीं कहीं होता है कि जैसे फादर से मुकेश कुमार है, आपको मुकेश पंडित कर दिए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन लेटर में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होने की आवश्यकता नहीं है। प्रीति राज का कमेंट कर रहे हैं कि काउंसलिंग में ज़्यादा नंबर पर सिलेक्शन होता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, जिनका अगर ज़्यादा मेधा अंक है उनको प्रॉफिट होगा कि घर के बगल में आपको स्कूल मिलेगा, कम मेधा अंक होगा तो किस्मत पे आप रहिएगा। ज़्यादा अगर 80-85 मेधा अंक है तो समझिए जहाँ आप चाहिए वहाँ नौकरी मिलेगा, लेकिन जैसे ही 70 और 65 के बीच में आइएगा फिर आपको लड़ाई टफ हो जाएगी, सीट खाली के अनुसार आपको वहाँ पर काउंसलिंग होगा। सुष्मिता क्लासेस कह रहे हैं कि सर आधार कार्ड का एड्रेस बिहार का ही होना चाहिए क्या, प्लीज रिप्लाई। जी हाँ, अगर आप बिहार का हैं तो आधार कार्ड में बिहार का ही होना चाहिए। श्रुति का कमेंट है कि सर बिहार से फीमेल जनरल हूँ, सीटेट में 83 मार्क्स है, 7th फेज के लिए एलिजिबल हूँ क्या? बिल्कुल है आप, अगर आपके पास 83 नंबर है तो आप 82 भी हैं अगर जनरल कैटेगरी से हैं, और 82 से ऊपर नंबर है आपका, छठे चरण की हम बात कर रहे थे, 82 से लेकर 90 तक का सिलेक्शन हुआ है महिला कैंडिडेट को, अगर 82 है तो आपको जो सीटेट का वेटेज था वो नहीं मिला था, लेकिन 83 से ऊपर वाला को मिला है। शायद सातवें चरण में सीटेट के 2020 के नियमों के अनुसार सीटेट वेटेज हटा दिया गया है, लेकिन इस बार सीटेट वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग से नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन आप 82 और 83 नंबर लाए हुए हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए शिवम का कमेंट है कि सातवें चरण में कितने अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, 1,00,000 या 1,000, कितना लाख से ऊपर होगा ये जान लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे छठे चरण के अभ्यर्थी ही बचे हुए हैं कम मेरिट वाले, क्योंकि अभी जो हुआ है सिलेक्शन हाई मेरिट वाले का हुआ है। OBC की बात कर लेते हैं, जनरल की बात करते हैं, 65 और 66 वाले कैंडिडेट अभी भी रोड पे टहले हुए हैं। फिर यहाँ पे रोशन कुमार कह रहे हैं कि सर एक बात क्लियर कीजिए कि सीटेट में मदर्स नेम में एक लेटर का मिसमैच होने से एफिडेविट लगा देने से क्या रिजेक्ट होगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा, आपको मान कर लिया जाएगा। 80 कैंडिडेट का रिजेक्ट किया गया, देखिए रिजेक्ट किया गया लेकिन बाद में उनको सिलेक्शन कर लिया गया, जब जांच पड़ताल अच्छी तरह से किया गया तो उनका सिलेक्शन कर लिया गया है।
सर जो छठे चरण के नियोजन में जातीय आवासीय और किमिल ईयर दिए थे उसी से काम चल जाएगा या नया बनाना पड़ेगा? देखिए नया आपको बनाना पड़ेगा, ये एजुकेशनल व्यू के तरफ से कमेंट आया है, क्योंकि जो भी वैलिडिटी होता है एक साल की वैलिडिटी होता है आपको वो चेंज करके नया बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगस्त में या जुलाई में या सितंबर में आता है तो अभी से ही आप बनाना, ये सब सारे डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको 5 से 10 दिन या 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चनों का जवाब हमने आपको दे दिया, और बाद में क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। इसमें भी आपका कोई प्रश्न छूट गया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कल हो सके देखेंगे कमेंट अधिक रहेगा तो वीडियो बना के हम आपको एनालिसिस करके सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और कोई प्रश्न होगा तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।